नमस्कार दोस्तों, आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर अगेन एक बार आपका स्वागत है। बीच में दो दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। हम मॉडर्न हिस्ट्री का वही पार्ट वापस आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने दो दिन पहले स्टार्ट किया था, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने शुरुआत की सबसे पहले भारत में यूरोपियंस का आगमन, और वो टॉपिक मैंने आपको समझाया था। और मैंने ये भी आपको प्रॉमिस किया था कि पूरे आधुनिक भारत को इतिहास को पढ़ाते समय मैं आपको एंसर राइटिंग के छोटे छोटे फंडे आपको बताऊंगा, ताकि जब आप मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का या किसी भी राज्य स्तर पर किसी सिविल सेवा का, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और मैं वापस कुछ वर्ड्स को रिपीट करूंगा, जैसे टिप्पणी कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए, इन सबको किस किस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको इन शब्दों का बेहतरीन तरीके से अर्थ बताता जाऊंगा और विथ एग्जाम्पल कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका पूरा उत्तर भी बताऊं कि उसका पूरा उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। साथ ही साथ मेरा जो ये आधुनिक भारत का पार्ट होगा, ये वाला, ये कंटिन्यू होगा, पर डे होगा। और हम प्रयास करेंगे कि मेरी इस क्लास से बाहर आपका प्री का कोई पार्ट ना जाए, मतलब शानदार तरीके से आपका प्री और मेंस इस एक ही क्लास के माध्यम से, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा टॉपिक उस दिन जो था वो था, हमारा टॉपिक उस दिन था भारत में यूरोपियंस का आगमन, भारत में यूरोपियन का आगमन, ये हमारा पहला टॉपिक था। और वो पहला टॉपिक ही अभी चल रहा है। और भारत में यूरोपियंस के आगमन में जो आपका पहला पार्ट मैंने लिया था, उसमें नंबर वन हमने सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैंने वहां पर क्या क्या आपको बताया था। सबसे पहले 5 मिनट के अंदर कि पुर्तगालियों के संदर्भ में मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने कहा कि भारत में यूरोपियंस का आगमन क्यों हुआ, मसालों की आवश्यकता, जहाज निर्माण की नई तकनीक, यूरोप में पुनर्जागरण, दिशा सूचक यंत्र का विकास होना, मसालों की आवश्यकता, पुर्तगाल और स्पेन जैसी नई शक्तियों का उद्भव होना, और वो सबसे बड़ा कारक कि भारत की ओर क्यों आ रहे हैं। तो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये उष्णकटिबंध में आते हैं, और इस क्रम में यहाँ पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और यूरोप में मसालों की आवश्यकता बहुत अधिक थी। भारत और यूरोप के बीच में ये व्यापार पहले से चला आ रहा था, मतलब प्राचीन काल से चल रहा था। अब विशेष क्यों? तो अब इसलिए कि अब वो जो आ रहे थे वो समुद्र के रास्ते भारत में आए थे, और समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डिगामा था, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया था। इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखें वास्को डिगामा के बारे में। वास्को डिगामा के बाद जब वास्को डिगामा ने वहां जाकर पुर्तगाल की सरकार के पास अपनी रिपोर्ट पेश की, तो पुर्तगाली राजा का बेटा था हेनरी द नेविगेटर। उस हेनरी द नेविगेटर ने एक पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की, और उस पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। उस पुर्तगाली कंपनी का नाम था, जो पुर्तगाली कंपनी थी उस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। ये उस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी का नाम था। और पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अर्थात पुर्तगाल की सरकार पर उसका बेहतर नियंत्रण था। और आप ये ध्यान रखें कि भारत में जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो एस्टैब्लिश हुई और पॉलिटिकल पावर बनी, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी थी। जबकि
इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण कंपनी आई वो सबकी सब सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी होने की वजह से उन पर सरकार का हस्तक्षेप और नियंत्रण बहुत अधिक था, इसलिए फेल हो गई। उसी में से एक कंपनी है एस्टाडो द इंडिया, जो पुर्तगाल की सरकार द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और इस एस्टाडो द इंडिया कंपनी का, इस कंपनी का भारत में जो पहला गवर्नर आया जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी, उसका नाम था फ्रांसिस्को, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509, 1505 से 1509, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509, 1505 से 1509। और ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इसके समय एक पॉलिसी आई थी, इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ये मैंने समझा दिया था उस क्लास में। इसके बाद में जो आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्क, अल्फांसो डी अल्बुर्क, अल्फांसो डी अल्बुर्क भी आता है, कई जगह अल्बुक भी आता है, अल्फांसो डी अल्बुर्क। इसका कार्यकाल था 1509 से 1509 से 1515, 1509 से 1515। तो ध्यान रखना, ये एस्टाडो द इंडिया कंपनी के इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं। लेकिन यहां गवर्नर का मतलब राज्यपाल नहीं होगा, यहां गवर्नर का मतलब होगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी का जो भारत में काम कर रहा है। और एस्टाडो द इंडिया जो भारत में आई, इस कंपनी का भारत में जो हेडक्वार्टर था वो सबसे पहले हेडक्वार्टर कौन सा बना, तो इसका पहला हेडक्वार्टर बना था कोच्चि, और 1530 में इसका हेडक्वार्टर बनेगा गोवा। अब हम इसके आगे चलें और अल्फांसो, जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था, अल्फांसो डी इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको हम देखें। इसका टाइमिंग जो है 1509 से 1515 है। तो यहां पर दोस्तों आप इसके बारे में चार पॉइंट ध्यान में रखें कि अल्फांसो डी अल्बुर्क से आपके एग्जाम में चार प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर वन, भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपका, भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया। तो भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्फांसो डी अल्बुर्क था। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखेंगे आप लोग वो पहला पॉइंट होगा, इसका वास्तविक संस्थापक जो था, रियल फाउंडर जो था, वो बेसिकली अल्फांसो डी अल्बुर्क था, अल्फांसो डी अल्बुर्क। उसके बाद में नंबर टू ध्यान रखना, वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया, हु एप्रिसिएट द पुर्तगीज टू मैरी विद द इंडियन वीमन, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया था इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से, इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। ये इससे सेकंड क्वेश्चन बनता है अल्फांसो डी अल्बुर्क से। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है अल्फांसो से कि उस समय इंडियन ओशियन के अंदर हिंद महासागर में दो इंपॉर्टेंट जल संधियां थी जो आप देखते हो, मैंने उस दिन मैं बना के समझाया था। एक तो ईरान के पास में हार्मुज जल संधि और एक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। अगर आप देखोगे तो ये पार्ट आएगा आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद ये आ जाता है यहां पर लाल सागर, ये आपका अरब प्रायद्वीप और ये ईरान आता है यहां पर, ये भारत और ऐसे करके
और ये इंडो चाइना यहां पर अगर हम देखें तो एक तो ये इस जगह पर आती है हार्मुज की जलसंधि, इसको हम कहते हैं हार्मुज वाटर स्टेट, हार्मुज की जलसंधि। एक इस जगह पे एक जलसंधि और आती है, ये वाली, इस जलसंधि को कहते हैं मलक्का जलसंधि, इसको हम कहते हैं मलक्का वाटर स्टेट। तो आप लोग ध्यान रखें, वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हार्मुज की जलसंधि, हार्मुज की जलसंधि ये यहां पर पड़ेगा ईरान और यहां पड़ेगा ओमान, ओमान और ईरान के बीच में है हार्मुज जलसंधि, और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का वाटर स्टेट। वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हार्मुज और हार्मुज एवं मलक्का जलसंधि पर कब्जा कर लिया था, हार्मुज एवं मलक्का वाटर स्टेट पर कब्जा किया था, तब भी इसी का नाम आएगा। और फोर्थ पॉइंट जो इसके बारे में एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि आपसे अगर ये पूछे कि 1510 में 1510 में पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था, तो उत्तर होगा गोवा पर नियंत्रण इन्होंने कर लिया था, गोवा पे नियंत्रण कर लिया था। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्ब्रुक से चार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और यूपीएससी पैटर्न पे हम देखें तो यूपीएससी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु अल्फांसो डी अल्ब्रुक से जुड़े हैं। नंबर वन, वह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नंबर टू, उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। नंबर थ्री, उसी के समय हार्मुज और मलक्का जलसंधि पर कब्जा कर लिया गया। नंबर चार, उसी के समय 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर नियंत्रण कर लिया। तो आप लोग ध्यान रखना, गोवा की जो पोजीशन थी ये आप सोचिए कि यहां पर था बीजापुर और यहां पर था विजयनगर एम्पायर, ये था बीजापुर और ये था विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों की मदद की और बीजापुर के आदिल शाही वंश से इन्होंने गोवा को छीन लिया था। और कृष्णदेवराय ने यह शर्त रखी थी कि आप बाहर से जो घोड़े लेके आओगे उसमें पहली वरीयता आप विजयनगर को दोगे। इस शर्त पर विजयनगर के शासक ने उनकी मदद की थी। इस प्रकार 1510 में पुर्तगालियों का गोवा पर नियंत्रण हुआ, और आप देखोगे 1961 तक इनके पास गोवा रहेगा। मतलब पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, और भारत में सबसे बाद में कौन गए यूरोपियंस में, तो पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे यूरोपियंस में, क्योंकि अंग्रेज 1947 में चले जाएंगे, 47 में भारत आजाद होएगा, लेकिन पुर्तगीज जो जाएंगे वो 1961 में जाएंगे। फ्रेंच का हम उसमें आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखें, अल्फांसो डी अल्बुर्ग से आपको ये चार पॉइंट याद रखने हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। अब वापस मैं रिपीट करूंगा एक बार, और आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पुर्तगाली तो पढ़ लिया, पुर्तगालियों से आपके अब यूपीएससी पॉइंट से और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुर्तगालियों से यूपीएससी पॉइंट से, और सबसे पहले मैं चर्चा फाउंडेशन के पॉइंट से कर रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके प्री एग्जाम के पॉइंट से यहां पर पुर्तगालियों से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी, तो इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में बनाई थी, लेकिन वहां के शासक जमोरिन ने उसको बंद करा दिया था, इसलिए पहले फैक्ट्री उनकी मानी जाएगी 1503 में कोची के अंदर, जहां पर उन्होंने काली मिर्च का व्यापार शुरू किया था। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री मानी जाएगी 1503
2003 में और कहां पर, कोच्चि के अंदर, और वहां पर उन्होंने किस चीज को स्टार्ट किया था, काली मिर्च का व्यापार, पहला पॉइंट नंबर एक। नंबर दो, आपसे अगर ये पूछे कि पुर्तगालियों की भारत को देन क्या थी, व्हाट वाज द लीजेसी ऑफ पुर्तगीज टू इंडिया, पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो यहां पर आपको चार पॉइंट ध्यान रखने हैं। उन्होंने हमें क्या दिया, तो पुर्तगालियों की भारत को देन है, नंबर एक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई और इसे स्थापित करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पहली जो उनकी लीजेसी है, देन जो है, वो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। नंबर दो, एक जैसे हम पढ़ते हैं राजपूत स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, चोल स्थापत्य, पुर्तगालियों का स्थापत्य आर्किटेक्ट जो है वो माना जाता है गोथिक स्थापत्य। गोथिक स्थापत्य भारत में किसकी देन माना जाता है, तो उत्तर होगा पुर्तगालियों की देन माना जाता है। ये एक प्रकार का आर्किटेक्ट है। और आपसे अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछे कि भारत में पुर्तगाली संस्कृति की खिड़की किसे कहा जाता है, द विंडो ऑफ पुर्तगीज कल्चर इन इंडिया, तो उत्तर होगा गोवा। उसका उत्तर क्या होगा, गोवा, क्योंकि गोथिक स्थापत्य पर गोवा में बहुत सारी इमारतें बनी हुई है। तो पहली देन प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा गोथिक स्थापत्य, तीसरा जहाज निर्माण की नई तकनीक, जहाज निर्माण की नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ शिप मेकिंग, जहाज निर्माण की नई तकनीक देने का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस, नंबर दो गोथिक स्थापत्य, तीसरा जहाज निर्माण की नई तकनीक, चौथा भारत में अफीम की खेती, भारत में अफीम की खेती का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पुर्तगाली का टॉपिक हमने आधा तो पहले पढ़ लिया था उस पहली क्लास के अंदर, सेकंड क्लास में चल रहा है। और मैंने कहा कि पुर्तगाली पूरा पढ़ाने के बाद में मैंने ये आपसे कहा कि यहां से एग्जाम में और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उसमें नंबर वन, 1503 में कोच्चि में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहां पर उन्होंने काली मिर्च का व्यापार शुरू किया था। दूसरा, पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है, तो देन में चार पॉइंट आपके पास में आएंगे, नंबर वन प्रिंटिंग प्रेस, नंबर दो गोथिक स्थापत्य, नंबर तीन जहाज निर्माण की नई तकनीक, और नंबर चार अफीम की खेती, अफीम की खेती। इसके बाद आपके पास में जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि पुर्तगालियों का भारत में हेडक्वार्टर कौन सा था, पुर्तगाली हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखना आप लोग, पुर्तगालियों ने अपना पहला हेडक्वार्टर शुरुआत जो की उन्होंने वो की कोच्चि से, पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कोच्चि में रहा और कोच्चि लास्ट तक भी पुर्तगालियों के पास में था, लेकिन बाद में इनका हेडक्वार्टर बन गया गोवा, बाद में इनका हेडक्वार्टर कौन सा बना, गोवा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर शुरुआत में कौन सा रहा, कोच्चि, बाद में कौन सा बना, गोवा। गोवा किसके समय बनता है, निनो डी कुन्हा के समय, निनो डी कुन्हा के समय पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर जो है वो गोवा बन गया। और यहां पर यह भी ध्यान रखें, यहां पर यह पॉइंट भी आप स्पेशली ध्यान रखें कि गोवा किस समय पुर्तगालियों के पास में आया था, तो गोवा पर जो उनका नियंत्रण हुआ है वो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर के समय हुआ है, लेकिन पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर गोवा 1530 के आसपास बनता है जब यहां, और यह श्रेय जाता है निनो डी कुन्हा को। तो ये पॉइंट भी हुआ, मैंने कहा कि यूपीएससी प्री के पॉइंट से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक दो तीन। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट, तो चौथा होगा कार्ज आर्मेडा से आप क्या समझते हैं, कार्ज आर्मेडा से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ज आर्मेडा क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना, पुर्तगाली हिंद महासागर और विशेष रूप से अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों से एक प्रकार का शुल्क वसूलते थे,
उस शुल्क व्यवस्था को, उस शुल्क को कहते हैं कार्टिस, और इस संपूर्ण व्यवस्था को कहते हैं कार्ज आर्मेडा। और ध्यान रखना, इस कार्ज आर्मेडा के माध्यम से उन्होंने अपना सामरिक प्रभुत्व स्थापित किया हिंद महासागर में। लेकिन यही कार्ज आर्मेडा उनके पतन का कारण बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? पतन कहते हैं डिक्लाइन को, पतन कहते हैं डिक्लाइन को। भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? तो आपसे पतन के कारण पूछे तो आपको पुर्तगाली, और मैंने यहां लिख दिया पुर्तगालियों के भारत में पतन के कारण, और इसी को मैं इंग्लिश में बोल देता हूं कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण। अब पुर्तगालियों के पतन के जो कारण है उसको मैं अलग अलग ले लेता हूं। जैसे नंबर वन, भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या है, तो मैं तीन चार पॉइंट से आपको समझा देता हूं कि भारत में उनका पतन क्यों हुआ। ये चार पॉइंट आप समझ लीजिए, वो भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण होंगे। और वो चार पॉइंट क्या है, वो चार पॉइंट हम देखें तो सबसे पहला कारण जो है, पहला कारण होगा पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। इस कारण इस कंपनी के मामलों में पुर्तगाल की सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। तो पहला पॉइंट क्या होगा, भारत में पुर्तगाली कंपनी के पतन का पहला कारण क्या था, पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। यहां पर सरकारी कंपनी का कारण कैसे बनेगा कि पुर्तगाल की सरकार बहुत दूर बैठे इस कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी, इसके डिसीजन पुर्तगाल की सरकार पर निर्भर करते थे, इसलिए यह कंपनी वो काम नहीं कर सकी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो पहला पॉइंट होगा पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना, फिर हम दूसरा लेखें, दूसरा होगा पुर्तगाली कंपनी को एक नया विकल्प मिलना। पुर्तगाली कंपनी और पुर्तगाली सरकार को एक नया विकल्प मिलना, और जब भी किसी को विकल्प मिलता है, अल्टरनेटिव मिलता है, तो कमजोर हो जाता है। जैसे पुर्तगाली कंपनी को एक नया विकल्प मिल गया, और वो नए विकल्प के रूप में था उसे ब्राजील जैसा उपनिवेश मिल गया। पुर्तगाली कंपनी को कौन सा उपनिवेश मिल गया, ब्राजील मिल गया, इसलिए उसका भारत पर जो ध्यान था वो कम हो गया, भारत पर उसका ध्यान कम हो गया। तीसरा कारण होगा ईसाई मिशनरियां। क्रिश्चियन मिशनरीज, द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, इसको हम ऐसे कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों की भूमिका। इसको वापस समझे कि जब पुर्तगीज भारत में आए तो भारत के अंदर उन्होंने धर्म परिवर्तन का काम बहुत तेज गति से किया, इससे भारत का परंपरागत समाज नाराज हुआ और वो इनके खिलाफ हो गए। और चौथा कारण होगा, चौथा और एक महत्वपूर्ण कारण है जो मैंने आपको बताया है, कौन सा, वो कारण है कार्ज आर्मेडा। चौथा कारण है कार्ज आर्मेडा। मैंने आपको कहा कि कार्ज आर्मेडा के माध्यम से उन्होंने अपने कई दुश्मन पैदा कर लिए, अर्थात जब पुर्तगाली कार्ज आर्मेडा पद्धति के तहत अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों से एक विशेष प्रकार का शुल्क वसूलते थे तो आसपास के देशों ने इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। तो यह कार्ज आर्मेडा की जो पद्धति थी, इस कार्ज आर्मेडा की पद्धति ने भी उनके कई दुश्मन पैदा कर दिए। और उसके बाद में पांचवा कारण होगा ईआईसीजेसी,
शक्तिशाली कंपनी, ईआईसी जैसी शक्तिशाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तिशाली कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी उसकी प्रतिद्वंदिता को ये कंपनी झेल नहीं सकी, इसलिए भारत में इसका पतन हुआ। तो आप देखो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा है भारत में पुर्तगाली कंपनी के या पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, कॉजेस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। तो उसका पहला पॉइंट था पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। पुर्तगीज कंपनी वाज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनी थी, इसलिए पुर्तगाल की गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, इसलिए कंपनी निर्णय नहीं ले सकी और भारत में उसका पतन हुआ। पहला पॉइंट। नंबर दो, पुर्तगालियों को या पुर्तगाली कंपनी को एक नया विकल्प मिल गया और उन्हें ब्राजील जैसा बड़ा क्षेत्र मिला जिसके कारण उनका भारत पर ध्यान कम हो गया। दो पॉइंट। तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों ने जो धर्म परिवर्तन में जो भूमिका अदा की उससे भारत का परंपरागत समाज नाराज हुआ। नंबर चार, कार्ज आर्मेडा की पद्धति, अंदर ईसाई मिशनरी, बाहर कार्ज आर्मेडा। कार्ज आर्मेडा की पद्धति ने बाहरी रूप में उनके कई दुश्मन पैदा कर दिए। और पांचवा, ईआईसी जैसी शक्तिशाली कंपनी को वो प्रतिद्वंदिता नहीं दे सकी। तो ये पॉइंट्स आपके आएंगे सबके सब भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण। इससे पहले जो है मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं और आप नंबर टू उसके बाद देखिए, पुर्तगालियों के बाद में भारत में आए अंग्रेज और अंग्रेज जो है उन्हीं को हम कहते हैं ब्रिटिश। अंग्रेजों को हम कहते हैं ब्रिटिश। सबसे पहले अब नंबर दो पे हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियन कंपनियों में ब्रिटिश को। और इसको समझने से पहले मैं आपको पहले समझाऊं, इसमें आप लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने सांकेतिक रूप से बनाया है और मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इसको ये ब्रिटेन। और उस समय ब्रिटेन के अंदर और आज भी ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बेसिकली ब्रिटिश महारानी हुआ करती थी। राष्ट्राध्यक्ष जो है वो ब्रिटिश महारानी थी, ब्रिटिश महारानी ब्रिटेन की हेड ऑफ द स्टेट थी। राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं हेड ऑफ द नेशन को। और ब्रिटेन के अंदर ही एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटेन के अंदर ही एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। तो ये सबसे पहला बिंदु आप ध्यान रखेंगे और लास्ट तक जब हम आजाद हो जाएंगे तब भी ब्रिटेन की हेड ऑफ द नेशन ब्रिटिश महारानी थी। यहां पर आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और मर्चेंट एडवेंचर्स ने, इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1599 के अंदर, 1599 के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की जो इतिहास में फेमस है ईआईसी के नाम से, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये मर्चेंट एडवेंचर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ईआईसी, जिसको पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रिटेन के अंदर एक फेमस कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक 1599 में, 1599 में एक सब्सिडरी अनुसंगी कंपनी की स्थापना की जिसे इतिहास में ईआईसी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर आप ध्यान रखें कि यह अनुसंगी क्या होती है, जैसे टाटा एक कंपनी है और टाटा नमक जो है वो टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, टाटा कैपिटल जो है वो टाटा की सब्सिडरी कंपनी है,
ऐसे ही मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक अनुसंगी कंपनी की स्थापना की जिसे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी ने एक आदेश दिया, जिसको हम कहते हैं रॉयल आदेश दिया। और इस आदेश के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। शुरुआत में ये एकाधिकार 15 सालों के लिए था, तो ध्यान रखना यहां पर। फिर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं और वो वर्ड है ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली का मतलब होगा कि ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल एक कंपनी के अंदर निहित होगा और उस कंपनी का नाम है EIC। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा मैंने कहा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए, तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आए ब्रिटिश। ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन ब्रिटिश महारानी है, आज भी वहां पर ब्रिटिश महारानी है। और ब्रिटेन के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। उस मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1599 में एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की जिसे इतिहास में हम कहते हैं EIC। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल ऑर्डर के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया कि वो भारत जाकर व्यापार कर सकती है, स्पेशली पूरब के साथ, ट्रेड विद द ईस्ट के साथ व्यापार कर सकती है। और जो व्यापारिक अधिकार दिया गया उसमें मोनोपोली थी, मतलब ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल एक कंपनी में निहित होगा और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए हम कहते हैं कि उसका व्यापारिक एकाधिकार था। और शुरुआत में व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए था, लेकिन बाद में इसी ट्रेड मोनोपोली को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। और उसके आगे हम पढ़ेंगे 1813 के अंदर इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हुआ। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1599 में हुई, 1600 में इसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा, तो 1600 से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। अब जब ये कंपनी व्यापार करने के लिए जाएगी, अब यहां पर एक शब्द जैसे आपके सामने आ गया एग्जाम के पॉइंट से, आपसे ये पूछे कि कैप्टन हॉकिंस कौन था। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से एक शब्द आपके पास में आया है कैप्टन हॉकिंस का। कैप्टन हॉकिंस का हमने पढ़ा, कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो देखो आप, कैप्टन हॉकिंस आएगा इंडिया में 1608। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1608। कैप्टन हॉकिंस की शब्द लग रहा है कैप्टन, सर कैप्टन शब्द क्यों लगाया गया? तो उत्तर होगा ये बेसिकली जिस जहाज से आया था उस जहाज का कैप्टन था ये, तो हो गया हेक्टर नामक जहाज का ये कैप्टन था। कब आया? 1608 के अंदर। और कैप्टन शब्द क्यों आया? हेक्टर नामक। अब ये किसका एम्बेसडर था, किसका दूत था ये? तो बेसिकली ये दूत था जेम्स फर्स्ट का। और जेम्स फर्स्ट कौन था? तो ये ब्रिटिश राजा था, मतलब महारानी का पति था जेम्स फर्स्ट। ब्रिटिश राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। यहां पर किसी दस्तावेज में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल 200 के लगभग शेयर होल्डर थे, जिसमें से एक शेयर होल्डर मानी जाती है महारानी। मतलब इस कंपनी के लाभ का एक हिस्सा कहीं ना कहीं EIC के पास जाता था। मैंने वापस रिपीट किया है। और जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को इसलिए भेजा ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक दृष्टिकोण से और मजबूत बनाया जा सके,
और शक्तिशाली बनाया जा सके, इसके लिए जेम्स फर्स्ट ने हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। अब जैसे कि जाहिर सी बात है, आप लोगों को ध्यान होगा कि आवश्यकता कैप्टन हॉकिंस को है या भारत में उस समय के मुगल बादशाह को है। तो जैसी बात हम समझ रहे हैं, बादशाह को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता कैप्टन हॉकिंस को है। और उस समय भारत में अगर आप टाइम का फिगर देखोगे तो 1605 में अकबर का निधन हो चुका है और अकबर के बाद मुगल बादशाह बना जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। मतलब कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो बेसिकली किससे मिलेगा, जहांगीर से मिलेगा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलेगा और कहते हैं कि मुलाकात जो है जहांगीर से अजमेर में हुई थी। अब अगर जहांगीर से उसको आवश्यकता है तो जहांगीर की लैंग्वेज में ही बात करेगा, न कि इंग्लिश में बात करेगा। इसलिए कहते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा का एक्सपर्ट था। और आप लोग ध्यान रखना, फारसी भाषा का विशेषज्ञ था, फारसी भाषा का वो एक्सपर्ट था, क्योंकि फारसी जो थी वो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फारसी मुगलों की आधिकारिक भाषा थी। कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में हेक्टर नामक जहाज से जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर मुगल साम्राज्य में आया और जहांगीर से मिला, और उसके मिलने का उद्देश्य था कि भारत के पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करना। यहां पर ध्यान रखें संदर्भ का मतलब क्या है। फैक्ट्री का मतलब आधुनिक फैक्ट्री नहीं है, उस समय औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में भी नहीं आई है, इसलिए मशीनी आज की मशीनों वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था एक ऐसा स्थान जहां पर अंग्रेज भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सामान इकट्ठा करके उस जगह पर ला सके और फिर वहां से अन्य देशों में जाके बेच सके। जैसे आज का सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उस तर्ज पर फैक्ट्री थी। अर्थात उस फैक्ट्री में कंपनी का ऑफिस, कंपनी का गोदाम और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का क्वार्टर्स हुआ करते थे। अब जेम्स फर्स्ट का दूत हॉकिंस जो है वो जहांगीर से मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही वो जहांगीर से मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देगा ही। तो उसने जहांगीर को दो गिफ्ट दिए। एक तो उसने, कहते हैं कि उस समय की तकनीक पर आधारित एक घड़ी उसने भेंट की, लेकिन जहांगीर की रुचि घड़ी में थी नहीं, उसने घड़ी को साइड में रख दिया। और हॉकिंस ने एक दूसरा गिफ्ट उसको और दिया, और वो सेकंड गिफ्ट था पेंटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में पेंटिंग का गोल्डन टाइम जहांगीर का माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर का है। इसलिए जहांगीर क्या करता है कि उसने उसमें रुचि ली और उसको पेंटिंग को देखा और लगवा दिया, और उसने कैप्टन हॉकिंस से कहा कि किस लिए आया। तो हॉकिंस ने कहा, नहीं सर, बस आपसे बातचीत करने के लिए, मैं जेम्स फर्स्ट का दूत हूं। ऐसे करके और उससे दो बार पूछा कि आप किस लिए आए, तो उसने नहीं बताया। अब जहांगीर के दिल में चल रहा था कि यार मैं भी उसको ऐसी पेंटिंग बनाकर दिखाऊं। तो उसने कहा कि आप आज शाम का भोजन मेरे साथ लीजिए, आज का डिनर मेरे साथ में कीजिए। ऐसे करके हॉकिंस वहां से चला जाता है। शाम को जब हॉकिंस वापस आता है तो उस समय तक जहांगीर अपने चित्रकारों से वैसे की वैसी पेंटिंग तैयार करके रखवा देता है। और जहांगीर के बारे में हॉकिंस को इस बात का पता था कि वो उस जैसी पेंटिंग को तैयार कर रहा होगा। अब जैसे हॉकिंस आता है तो हॉकिंस जो है, नमस्ते सलाम जो भी कहता है वो, जहांगीर उससे क्वेश्चन करता है कि मैंने आपके सामने दो पेंटिंग रखी है,
सपोज कीजिए एक पेंटिंग तो ये वाली है जो कैप्टन हॉकिंस लेकर आया था और ये पेंटिंग जहांगीर ने बनाई है, तो वो हॉकिंस से कहता है कि आप पहचानिए आप कौन सी लेके आए थे। हॉकिंस जानता था कि वो जो पेंटिंग लेके आया था वो ये वाली थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसका मेन ऑब्जेक्ट जो था वो जहांगीर को खुश करना था। तो उसने कहा कि सर बादशाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी लेके आया था, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैं जो लेके आया था वो शायद ये लेके आया था। मतलब उसने जानबूझकर जो जहांगीर ने अपने चित्रकारों से तैयार करवाई उस पर हाथ रखा, और जैसे ही इस पर हाथ रखा जहांगीर ने कहा ओहो गच्चा खा गए, आप जो लेके आए थे वो ये नहीं थी, आप जो लेके आए थे वो ये वाली थी, आपने हमारी हमारी पेंटिंग का ये गोल्डन एज देखा ही नहीं है, हमारी चित्रकारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे करके जहांगीर बहुत खुश हुआ और कहते हैं कि इसी टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से भारत के पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति चाही और जहांगीर ने उसे खोलने की अनुमति प्रदान कर दी, और 1608 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो प्राप्त हुई ये भारत के किस शहर में हुई, तो उत्तर होगा सूरत के अंदर। कहां पर हुई? सूरत के अंदर। और ध्यान रखना मध्यकाल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से कौन सा केंद्र माना जाता था? सूरत। अंग्रेजों ने जो तीन सिटी बसाए हैं उसमें आता है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, लेकिन अंग्रेजों के एस्टेब्लिशमेंट से पहले भारत में अगर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कोई था तो वो था सूरत। और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है 1608 के अंदर। फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है 1608 के अंदर, लेकिन ये फैक्ट्री 1608 में न खुलकर इसमें टाइम लगता है और ये बाद में खुलती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ये कि अंग्रेजों को भारत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति कहां प्राप्त हुई, तो उत्तर होगा सूरत। लेकिन भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां खुली, तो उत्तर होगा मसूलीपट्टनम के अंदर। और मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत मुगलों के पास नहीं था, मतलब यहां से नीचे का हिस्सा मुगलों के पास नहीं था, मसूलीपट्टनम यहां पर था। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो खुलती है वो बेसिकली मसूलीपट्टनम के अंदर खुलेगी। अनुमति कहां प्राप्त हुई है? सूरत में। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अंग्रेजों को भारत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति कहां प्राप्त हुई मुगल साम्राज्य के अंदर, तो उत्तर होगा सूरत 1608। लेकिन 1608 में कुछ तकनीकी कारणों से फैक्ट्री खुलती नहीं है, और इससे पहले 1611 के अंदर, 1608 में लेकिन खुलती नहीं है, इसके बाद 1611 के अंदर फैक्ट्री सूरत से पहले बन जाती है मसूलीपट्टनम के अंदर। तो ये मैंने आपको कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताया। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। मैं आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, और मेंस में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आपको एक एक क्लास के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपसे अपेक्षा ये होगी, और मैं भी लगातार इंप्रूवमेंट करूंगा क्योंकि इंप्रूवमेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है, और एक टीचर भी बेहतरीन टीचर तब तक है जब तक खुद स्टूडेंट बना रहे। इसलिए मैं आपके पास में पीछे वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हुए प्री और मेंस में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पर पूरा मैं एक प्रकार से क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है उन दोनों को मैं आपको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों यूपीएससी अनअकैडमी के इस चैनल पे वर्तमान में मेरी दो क्लासेस, दो टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इन दोनों ही टॉपिक को 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है और 2020 में किस प्रकार से और पूछे जा सकते हैं उस पॉइंट से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप मेरी क्लास को कंटिन्यू करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो बल्कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं,
और हम आपको योजनाबद्ध तरीके से बेहतरीन मटेरियल आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हमारा शानदार प्रेजेंटेशन होगा और जब एग्जाम होगा तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी एक एक क्लास अनअकैडमी की एक एक क्लास आपके लिए शानदार साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। ओके एक मिनट भेजना हूं, नहीं वो बंद करना है, होगी क्लास, हो गई क्लास। हाँ क्लास और हो गई, माइक ऑफ कर दिया। हमारी छुट्टी हुई आज तो।